टैमूजिन यानी चंगेज खान, ये नाम है दुनिया के सबसे ताकतवर, खतरनाक, जालिम, बेरहम और चालाक बादशाह का, जिसके एक इशारे पर न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। यही वो नाम है जिसका शुमार हिस्ट्री के बड़े बड़े योद्धाओं और विजेताओं की लिस्ट में सबसे टॉप पर लिखा जाता है। एक ऐसा विजेता जिसने सन 1206 से सन 1227 तक न सिर्फ जबरदस्त तरीके से अपने एम्पायर को फैलाया था, बल्कि उस वक्त चीन से अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, अफ्रीका, जापान, नॉर्थ साइबेरिया, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक, जो भी देश इसकी जद में आया वो इसी का हो गया। यही वजह थी कि उस वक्त दुनिया के 22% हिस्से पर इसका कब्जा था। और इससे भी बड़ी सच्चाई ये थी कि चंगेज खान की फौज जिस जिस इलाके से गुजरती थी, वहां सिवाय तबाही, बर्बादी और लाशों के ढेर के अलावा कुछ बाकी न रहता था। तो दोस्तों, कैसे तैमूजिन ने एक मामूली कबीले के सरदार से चंगेज खान बनने तक का सफर तय किया, और क्या था उसका मकसद जिसके लिए उसने अनगिनत इंसानों के खून से अपने हाथ रंगे थे, ये सब कुछ हम जानेंगे सर्कल डॉक्यूमेंट्री की आज की इस वीडियो में। लेकिन चंगेज खान की इस हिस्ट्री को अच्छे से समझने से पहले जानते हैं चंगेज खान के बाप या सुगई के बारे में, जो एक मंगोल बुर जगिन कबीले का सरदार होने के साथ साथ एक जबरदस्त और माहिर शिकारी भी था, जिसने अपनी बहादुरी और ताकत के दम पर बहुत से इलाकों को फतेह किया और उन पर हुकूमत की। उसी दौरान यसुगई अपने कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने जा रहा था कि अचानक उसकी नजर घोड़ा गाड़ी पर बैठी एक 16 साल की लड़की होयलन पर पड़ी। ये लड़की दूसरे मघोल कबीले ओलखुंद से ताल्लुक रखती थी, बड़े बड़े योद्धाओं को हराने वाला यसुगई। होयलन को देखते ही अपना दिल हार बैठा, वो उसे हासिल करने के लिए बेकरार हो गया। वो होयलन को जबरदस्ती अपने कबीले ले आया और उससे शादी कर ली। यही वो जमाना था जब मंगोल और तातार कबीले के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे। दिन बीते और वक्त गुजरता गया, और हर गुजरते वक्त के साथ मंगोल और तातार कबीले की दुश्मनी भी बढ़ती गई। फिर सन 1162 का वो दौर भी आया जब यसुगई के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। दूसरी तरफ ठीक उसी दिन यसुगई ने एक बहादुर तातारी सरदार तैमूजिन को जान से मार दिया था। यसुगई को जब अपने घर बेटा पैदा होने की खबर मिली तो उसने मरने वाले बहादुर तातारी सरदार के नाम पर अपने बेटे का नाम तैमूजिन रखा, जिसके पीछे मंगोल कबीले के लोगों का भरोसा था कि मरने वाले की बहादुरी और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर चैलेंज करने की खूबियां इसमें भी आएंगी। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। जब तैमूजिन का जन्म हुआ तो उसके हाथ में खून का एक धब्बा था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि वो भविष्य का बड़ा और खूंखार विजेता बनकर उभरेगा। चंगेज खान का असली नाम तैमूजिन था, जिसे बदलकर चंगेज खान कर दिया गया, और फिर ये चंगेज खान हो गया, जिसका जन्म सन 1162 में मंगोलिया के खेती नाम के शहर में हुआ था। वो बचपन से ही अपने बाप यसुगई के साथ रहते हुए घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाने में महारत हासिल कर चुका था। उस वक्त तैमूजिन की उम्र 9 बरस थी जब उसके बाप यसुगई ने उसकी मंगनी ओइंगिरात कबीले की लड़की बोरते से कर दी। इसी बीच यसुगई की भी मौत हो गई। मंगोल भाषा में लिखी गई किताब द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोलस के मुताबिक ओलखुंद कबीले के सरदार ने यसुगई को अपने कबीले में खाने पर बुलाया। अब क्योंकि शादी के बाद पहली बार यसुगई को ससुराल की तरफ से बुलावा आया था, जिसे उसने खुशी खुशी मान लिया, लेकिन इसके पीछे छिपी साजिश को वो समझ न सका। दरअसल होयलन से जबरदस्ती की गई शादी को उसका बाप अब तक भूला न था, जिसके बाद उसने मंगोल कबीले के पुराने दुश्मन तातार कबीले से हाथ मिलाकर यसुगई के खाने में जहर मिला दिया। जिसकी भनक भी यसुगई को न हो सकी, उसने खुशी खुशी उस खाने को खाया और पूरे जोश और मोहब्बत के साथ सबसे मिलकर अपने कबीले जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी,
जिसके बाद उसे पूरा माजरा समझते देर न लगी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था। जैसे तैसे उसने अपने कबीले पहुंचकर ये सारी कहानी बता दी, जिसके तीसरे दिन इलाज के दौरान ही उसकी की मौत हो गई। यसुगई की मौत से पूरे कबीले में मातम पसर गया और इसी के साथ कबीले में सरदारी का मसला भी खड़ा हो गया। अब क्योंकि मगोल बुरजगिन एक पारंपरिक कबीला था, इसलिए उनके लोगों का एक बड़ा हिस्सा कम उम्र लड़के तेमुजिन, उसकी मां या भाई बहनों में से किसी को भी सरदार मानने को तैयार न हुआ, जिसकी वजह से बहुत से लोग कबीला छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ यसुगई के दुश्मनों में से एक ताइजोत कोम के सरदार तुर्गा ताई को जब यसुगई की मौत की खबर मिली तो वो बहुत खुश हुआ। मरने से पहले यसुगई ने बहुत से इलाकों को फतेह करके वहां अलग अलग कमांडरों को तैनात किया था। तुर्गा ताई ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी ताकत और पैसे के दम पर कुछ कमांडरों को अपने साथ मिला लिया। बाकी बचे कमांडर और सिपाहियों में आपस में ही जंग छिड़ गई, जिससे पूरा कबीला बिखर गया। तेमुजिन और उसके परिवार के पास अब चंद वफादार सिपाही ही बचे थे। तुर्गा ताई ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए बुरजगिन कबीले पर हमला कर दिया और इसका पहला मकसद था तेमुजिन की मौत। क्योंकि बुरजगिन कबीले में अब सिर्फ वही था जो अपने बाप यसुगई की गद्दी पर बैठकर पूरे कबीले और आसपास के इलाकों को संभाल सकता था, लेकिन तेमुजिन के वफादार सिपाहियों ने किसी तरह खुफिया रास्ते से तेमुजिन और उसके परिवार को वहां से निकाल दिया। तुर्गा ताई को जब तेमुजिन के भागने की खबर मिली तो उसने उसके पीछे अपने सिपाही दौड़ा दिए। तेमुजिन की मां और भाई बहन सिपाहियों का ध्यान भटकाने के लिए एक जगह छिप गए, लेकिन तेमुजिन उनका इशारा समझ न सका। उसका घोड़ा बहुत आगे निकल गया था और सिपाही लगातार उसका पीछा कर रहे थे। तेमुजिन अपना घोड़ा तेजी से दौड़ाता हुआ पहाड़ की चोटी पर ले गया और वहां छिप कर बैठ गया। वो लगातार 3 रात और 3 दिनों तक वहां छिपा रहा, लेकिन भूख और प्यास की वजह से उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसके पास पहाड़ से नीचे आने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे तैसे हौसला करके वो पहाड़ से नीचे आ गया, जहां तुर्गा ताई के सिपाही अब भी छिपे बैठे थे। वो तेमुजिन को देखकर उस पर टूट पड़े, जिससे अधमरा होकर तेमुजिन बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो देखा तुर्गा ताई के सिपाही उसे बंदी बनाकर ढोल पीटते और शोर मचाते अपने साथ ले जा रहे हैं। रास्ता बहुत लंबा था और रात भी हो चुकी थी, तो सिपाहियों ने जंगल में ही पड़ाव डाला और नाच गाना और जश्न मनाना शुरू कर दिया। और करते भी क्यों ना, आखिर तेमुजिन के रूप में उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनके हाथ लग चुका था। कैदी बने तेमुजिन को हाथों में हथकड़ी और गले में लकड़ी की कुंडा डालकर एक पहरेदार की देखरेख में अलग कैंप में बंद कर दिया गया। तुर्गा ताई के सिपाहियों में से एक सिपाही की नजर लगातार तेमुजिन पर ही टिकी थी, लेकिन ये सिपाही तेमुजिन का दुश्मन नहीं बल्कि उसका हमदर्द था, जो जबरदस्ती ताई जोत की सेना में शामिल किया गया था। आधी रात को जब चारों तरफ सन्नाटा पसर गया और सिपाही नशे की हालत में इधर उधर गिरने लगे, तब वही सिपाही तेमुजिन के पास जाकर तेमुजिन को वहां से भागने के लिए कहता है। तेमुजिन उससे पूछता है, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? वो सिपाही अपने बारे में कुछ बातें बताने के बाद तेमुजिन को एक घोड़ा, कुछ खाना, एक तीर कमान और थोड़ा सा दूध देकर वहां से भगा देता है। कई दिन और रातें चलने के बाद छिपते छिपाते तेमुजिन अपने कबीले पहुंचा तो देखा वहां सब कुछ झलकर राख हो चुका था। वहां कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। कबीले के बचे कुचे लोग भी अलग अलग कबीलों में पनह ले चुके। तेमुजिन अपनी मां बहन और भाइयों की तलाश में एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे कबीले में भटकने लगा और जल्द ही उसकी ये मेहनत रंग भी लाई, जब उसके एक दोस्त के कबीले में उसके घर वाले उसे मिल गए, जो बहुत ही बुरी हालत में थे। वो मछली और गिलहरियों को खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। वो लोग एक दूसरे को देखकर ऐसे मिले जैसे उनका दूसरा जन्म हुआ हो। तेमुजिन सरदार यसुगई का बेटा था। वो इस वक्त कमजोर था, लेकिन हारा हुआ नहीं था। उसके हौसले बुलंद थे और वो हालात से लड़ना जानता था। यही रीजन था कि उसकी बात को टाला नहीं जा सकता था।
उसने कुछ दिन उसी कबीले में रहने के बाद अपने कबीले के जिंदा बचे लोगों से कॉन्टेक्ट करके उन्हें इकट्ठा किया और इसके बाद कुछ जानवर और जरूरत का सामान लेकर उसका लश्कर चल पड़ा। नदी से कुछ दूर एक सेफ जगह पर उसने अपना एक नया कबीला बसाया, लेकिन इस बीच इस कबीले के बहुत से लोग गरीबी और परेशानी का भी सामना करते रहे। लेकिन उससे भी बढ़कर उनके सामने जो मुश्किल थी वो थी कबीले की सरदारी, क्योंकि टिमुजीन की उम्र अभी सिर्फ 13 साल ही थी और उसका भाई भी अभी इतना बड़ा नहीं था कि उसे सरदार बनाया जा सके। इसलिए कबीले का कोई शख्स इन्हें सरदार मानने पर राजी न हुआ। अभी कबीला नया था और बिना सरदार के चल रहा था। दिन भी तेजी से गुजर रहे थे। तभी एक रात सन्नाटे का फायदा उठाकर कुछ लुटेरे तैमुजीन के कबीले से कुछ घोड़े चुरा कर अपने साथ ले गए। सुबह ये बात पूरे कबीले में फैल गई। सब एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। किसी को कुछ समझ ना आया कि घोड़े कौन और कहां ले गया। तैमुजीन को जब इस चोरी की खबर लगी तो वो अपने दोस्त बागोची के साथ घोड़े ढूंढने निकल पड़ा। मीलों का सफर तय करके और पैरों के निशान ढूंढते हुए आखिरकार वो उस जगह पहुंच गए जहां लुटेरे घोड़ों को बांधकर सो रहे थे। इधर बघोरची छिपकर तीर से निशाना साधकर खड़ा हो गया कि कोई हरकत हुई तो ये तीर चला देगा। दूसरी तरफ तैमुजीन ने बड़ी होशियारी से अपने घोड़े वहां से निकाल लिए और ये दोनों बड़ी चालाकी से लुटेरों को चकमा देकर घोड़े समेत अपने कबीले पहुंचने में कामयाब हो गए, जिसे देखकर पूरा कबीला खुशी से झूम उठा। साथ ही कबीले के लोग कहने लगे, जो हमारे घोड़े वापस ला सकता है वो हमारी हिफाजत भी कर सकता है। बगैर किसी खून खराबे के अंजाम तक पहुंचे घोड़े वापस लाने वाले इस मिशन के चर्चे आसपास के कबीलों में भी होने लगे और इसके बाद कबीले के लोगों ने भी तैमुजीन को अपना सरदार मान लिया। आए दिन इसके कबीले और अस्तबल पर हमले होते रहे, जिसका जवाब भी वो बहुत बहादुरी से देता रहा। उसकी इसी बहादुरी का दबदबा दूर दूर तक कायम हो गया। इसी दबदबे ने उसमें इतना भरोसा और एतमाद भर दिया जो आगे चलकर मक्कारी, अय्यारी और चालाकी में बदल गया। वक्त का पहिया और घूमा तो तैमुजीन भी 13 साल से 17 साल का हो गया। हालात भी पहले से काफी बेहतर हो गए थे। कबीले में लोगों और सिपाहियों की तादाद भी काफी बढ़ चुकी थी। लेकिन मुश्किल से भरे इन 4 सालों में वो बोर्ते को एक पल के लिए भी भूला ना था। अब जबकि वो अपने कबीले का सरदार बन चुका था और बोर्ते से शादी भी करना चाहता था, तो एक दिन वो अपने लोगों के साथ ओइंगिरात कबीले पहुंच गया, जहां बोर्ती के बाप कोजन ने उसका बहुत ही गर्म जोशी से स्वागत किया। बहुत ही खुशी खुशी और जश्न के माहौल में तैमुजीन बोर्ते से शादी करके उसे अपने साथ कबीले ले आया। इस शादी के बाद अब तैमुजीन की ताकत में पहले से ज्यादा इजाफा हो गया था, क्योंकि उसके ससुराल ओइंगिरात कबीले के अलावा इस कबीले के साथी कबीलों का साथ भी इसे मिल गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके अपने साथी कबीलों का एक बड़ा हिस्सा इससे बागी हो गया और जिसका नतीजा एक खतरनाक जंग के रूप में सामने आया। सरदार बनने के बाद तैमुजीन के लिए यह पहला बड़ा इम्तिहान था, जिसमें उसके सिपाहियों की तादाद दुश्मन कबीलों के मुकाबले काफी कम थी। लेकिन इस सब की परवाह किए बगैर तैमुजीन ने अपने सिपाहियों में गजब का जज्बा पैदा किया। हालांकि तैमुजीन को अभी जंग का तजुर्बा न के बराबर ही था, फिर भी वो अपने सिपाहियों के साथ जगन के मैदान में बड़ी बहादुरी से डटा रहा और जब तक दुश्मनों से लड़ता रहा, जब तक वो इस हारी हुई जंग को जीत न गया। अपनी इस पहली जंग में भले ही तैमुजीन जीत गया था, लेकिन इस जंग में उसके बहुत से सिपाही भी मारे गए थे। इस जीत ने तैमुजीन में गजब का हौसला तो भर दिया था, लेकिन उसका इम्तिहान का दौर अभी खत्म न हुआ था। और ये वो इम्तिहान था जिसमें तैमुजीन ने सब कुछ खोकर हर उस चीज को पा लिया था जिसे वो पाना चाहता था। बहरहाल वक्त का पहिया थोड़ा और घूमा तो तैमुजीन भी 22 साल का हो गया और एक बार फिर से वही सुरते हाल और ज्यादा मजबूती से इसके सामने आकर खड़ी हो गई, इस बार आसपास के कबीलों के साथ। खुद इसके अपने कबीले के लोग भी इसकी सरदारी के खिलाफ हो गए। लेकिन इस बार न तो तैमुजीन जंग करना चाहता था और न ही वो इस जंग को जीत सकता था, क्योंकि इस बार बागियों के मुकाबले तैमुजीन के पास चंद वफादार सिपाहियों के सिवा और कुछ न था। उसने बागियों की बात मानते हुए अपना कबीला छोड़ दिया,
जिसके बाद उसने अपने बाप यसुगई के पुराने दोस्त वांग खान के कबीले में पनह ले ली। तैमुजिन चूंकि यसुगई का बेटा था और वांग खान भी उससे पूरी तरह वाकिफ था, तो उसने दोनों बाहें फैलाकर बहुत ही गर्मजोशी के साथ तैमुजिन का अपने कबीले में स्वागत किया और इसकी हिम्मत और बहादुरी को देखते हुए उसने तैमुजिन को अपने कबीले का न सिर्फ सेनानायक बना दिया था बल्कि अपनी बेटी की शादी भी इसके साथ कर दी। सेनानायक बनने के बाद तैमुजिन ने इस कबीले को बहुत मजबूत किया। उसने कई जंगें लड़ी और उनमें जीत हासिल की। उसका रुतबा अपनी फौज में और ज्यादा बुलंद होता चला गया। लेकिन हर कबीले की तरह इस कबीले में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिनको तैमुजिन की अपनी फौज में बढ़ती पॉपुलैरिटी चुभने लगी और उन्होंने वांग खान को तैमुजिन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि तैमुजिन वांग खान की जगह खुद सरदार बनना चाहता है। हर रोज इसी तरह की बातें वांग खान के कानों तक पहुंचती रहीं और जिसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन वांग खान ने तैमुजिन को अपने रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। लेकिन वांग खान ये भूल रहा था कि उसका सामना अब उस तैमुजिन से है जो उसके कबीले में रहते हुए इतना ताकतवर बन चुका था, जिसे छूना भी उसकी सोच से परे था, क्योंकि अब दौर शुरू हो चुका था तैमुजिन से चंगेज खान बनने का, जहां वो अपना एक अलग रास्ता चुन चुका था जिसमें आने वाले हर साम्राज्य को वो पूरी तरह ध्वस्त करके अपने साथ मिलाता चला गया। लेकिन कैसे वो इतना ताकतवर बन गया था और क्यों उसने करोड़ों लोगों के खून से अपने हाथ रंगे थे और कैसे मंगोल बिरादरी का जन्म हुआ और कब तैमुजिन को खानों का खान यानी चंगेज खान की उपाधि से नवाजा गया, तो दोस्तों इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे चंगेज खान का पूरा इतिहास की दूसरी और आखिरी वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं और जुड़ें सर्कल डॉक्यूमेंट्री के साथ।